नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। डायबिटीज के चैप्टर 8 में आज हम बात करेंगे घर पर किस तरह से ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हम ग्लूकोमीटर की मदद से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे किन किन लोगों को घर पर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना जरूरी हो जाता है, साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के क्या फायदे होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ग्लूकोमीटर के अंदर कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से ग्लूकोमीटर की मदद से हमें ब्लड ग्लूकोज चेक करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं और कौन कौन सी टिप्स हैं ताकि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह एक्यूरेट मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग प्री डायबिटिक हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, वह प्लीज वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपके नॉलेज में इजाफा होने वाला है। और जो लोग नॉर्मल इंडिविजुअल है, मतलब कि जिन्हें प्री डायबिटीज नहीं है या फिर डायबिटीज नहीं है, वो लोग भी अगर अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अपना मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज होम टेस्ट क्या है। देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज है या जो लोग प्री डायबिटिक है, उन्हें एक चीज की जरूरत रहती है कि समय समय पर डॉक्टर के पास जाकर या फिर लेबोरेटरी में जाकर अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, फिर कम हो गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है या फिर कितना फ्लक्चुएशन होता है, वह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में देखिए, अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक है प्री डायबिटिक और एक है डायबिटिक। देखिए, डॉक्टर क्या करेंगे कि जो लोग प्री डायबिटिक है और जिन लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, उन्हें वह सामने से ऐसा बोलेंगे कि आपको हर महीने या हर दो महीने आने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही ब्लड ग्लूकोज मीटर की मदद से, ग्लूकोमीटर की मदद से अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल घर पर ही मॉनिटरिंग कर सकते हो। और जो बेस्ट ग्लूकोमीटर्स है, जो मेरे हिसाब से जो टॉप 3 ग्लूकोमीटर है पूरे विश्व में, उसकी मैंने एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर भी आप परचेस कर सकते हो और आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो जो लोग डायबिटिक है, मतलब कि जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया है, उसमें भी हम उस व्यक्ति को उस जो सिचुएशन है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। दूसरा, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ज्यादा है लेकिन उसका जो फ्लक्चुएशन है ब्लड ग्लूकोज में, वह बहुत ही कम होता है। तो यहां पर भी डॉक्टर्स आपको सामने से बोलेंगे कि आपको इतने समय के बाद मुझे दिखाने आना है, मुझे मतलब कि कंसल्ट करने के लिए आना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, तो ऐसे मामलों में डॉक्टर सामने से ही बोलते हैं कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं, आप घर पर भी मॉनिटरिंग कर सकते हो, लेकिन जो भी मॉनिटरिंग आप करें वह मुझे आप बताते रहना, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज मुझे चेंज करनी है, चाहे डाइट चेंज करनी हो, चाहे मेडिसिन चेंज करनी हो, तो मैं कर पाऊं। तो यहां पर घर पर आप ग्लूकोमीटर की मदद से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हो, उसे ही हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डायबिटीज होम टेस्ट, मतलब कि घर पर ग्लूकोमीटर की मदद से अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना। अब बात करते हैं किन किन लोगों को घर पर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, देखिए उन्हें यह जो वाइटल पैरामीटर है ब्लड ग्लूकोज लेवल का, वह हर रोज जानना जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या फिर इंटरनल फैक्टर की वजह से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल में फ्लक्चुएशन हो जाता है। कभी कभार इंसुलिन का डोज कम हो गया, या फिर इंसुलिन लेना भूल गए, या फिर उसका टाइम चेंज हो गया, और एनी अदर फैक्टर जो आपके साथ रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है, तो होगा यह कि ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट होने लगेगा। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे मामलों में अगर किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज है, तो ऐसे मामलों में घर पर ही ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग करना जरूरी हो जाता है। अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, डायबिटीज मेलिटस की, तो जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, और ज्यादातर जो नॉर्मल रेंज से ऊपर की तरफ ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो उन्हें भी समय समय पर अपने घर पर ग्लूकोमीटर की मदद से ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं घर पर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग से क्या फायदे होते हैं। एज पर CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन,
अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 टू 140 एमजी पर डीएल के बीच में है तो उसे हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 एमजी पर डीएल से ज्यादा है तो उसे हम हाइपर ग्लाइसेमिया कंसिडर करेंगे। अगर 70 से नीचे है, 70 एमजी पर डीएल से नीचे है तो उसे हम कंसिडर करेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। अब घर पर अगर आप ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हो तो सबसे पहली बात आपको पता चलता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन सी रेंज में आता है। साथ ही साथ दूसरी बात यह पता चलती है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना फ्लक्चुएट होता है। देखिए, नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उन्हें खर्चा कर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर या फिर ग्लूकोमीटर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग प्री डायबिटिक है, जो लोग डायबिटिक है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको घर पर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है तो उन्हें ग्लूकोमीटर लेने की जरूरत होती है। यह एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर फायदा यह है कि आप घर पर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हो, मतलब कि आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को ट्रैक कर रहे हो। अगर आपने अभी ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया है, नॉर्मल रेंज में आ रहा है, लेकिन शाम को खाने के बाद अगर आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया और बहुत ही ज्यादा आ गया, फॉर एग्जाम्पल 200 एमजी पर डीएल से ज्यादा आ गया, मतलब अगर हम नॉर्मल जो चार्ट है वो जो कंडीशन से अगर उसे हम फॉलो करते हैं तो 200 से ज्यादा अगर आता है तो उसे हम डायबिटिक कहेंगे। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। आपने शाम को क्या खाया? आपने शाम को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाया, ज्यादा शुगर वाला खाना खाया, ज्यादा फैट वाला खाना खाया, इसकी वजह से क्या आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया? लेकिन यह सब चीज को पता करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। यह आपको घर पर जब आप ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे तब पता चलेगा। जो लोग प्री डायबिटिक है, जो लोग डायबिटिक है, उन्हें अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऑलवेज ट्रैक करते रहना है, ताकि पता चलेगा कि कौन सी परिस्थिति में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रहा है, कौन सी परिस्थिति में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इन शॉर्ट, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि घर पर अगर आप ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हो तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन सी रेंज में है वो पता चलता है। बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो भी आप अनुमान लगा सकते हो कि ऐसा ऐसा मैंने खाया था, ऐसा ऐसा हुआ था, इसकी वजह से यह बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो और यह जो भी रिकॉर्ड आप रखते हो तो यहाँ पर आपके डॉक्टर्स को भी हेल्प मिलेगी। आप फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने आपको बोला है कि हर दूसरे दिन आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हो, उसका चार्ट बनाते हो, उसका रिकॉर्ड रखते हो, तो डॉक्टर को भी आसानी रहती है। इन फ्यूचर अगर कोई डाइट में चेंज करना है या फिर कोई मेडिसिन में चेंज करना है तो वह कर सकते हैं। और दूसरी खास बात कि अगर आप घर पर ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग करते हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्री डायबिटिक हो, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 140 से थोड़ा थोड़ा ही ज्यादा आता है, तो आप यहाँ पर ऐसे ट्राई कर सकते हो कि आप डायबिटिक ना हो जाए। तो यहीं पर से ही आप अपने आप को डायबिटिक होने से रोक पाओगे, जिसे होगा यह कि डायबिटीज से होने वाली जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस है, जो दूसरे हमारे ऑर्गन्स में जो डैमेज होने वाला है वह नहीं होगा। तो यह कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए भी ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग करना या फिर समय समय पर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना, चाहे घर पर चेक करते हो चाहे लैब पर जाते हो, तो यह जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ताकि आप अच्छे से एक्यूरेटली अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर पाओ। देखिए, सबसे पहला स्टेप है अच्छे से अपने हाथों को साबुन से धोना। देखिए, इसलिए जरूरी है कि अगर आपके हाथ गंदे हैं, आपके हाथ में उंगलियों पर कोई गंदगी चिपकी हुई है, अगर आप बिना धोए ही सैंपलिंग करते हैं तो एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि जो भी खून है उसमें वह गंदगी मिक्स हो सकती है, जिससे एक्चुअल में जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए और जो डिस्प्ले होना चाहिए वह नहीं होगा, एरर आ जाएगी, कुछ दूसरे ही आंकड़े वहां पर डिस्प्ले हो सकते हो, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहला स्टेप है अच्छे से साबुन से अपने हाथ को साफ करना है, फिर अच्छे से कपड़े से, साफ कपड़े से उसे ड्राई कर देना है, उसके बाद ही आपको दूसरे स्टेप पे जाना है। दूसरा स्टेप है ग्लूकोमीटर में जो टेस्टिंग स्ट्रिप है उसे इंसर्ट करना। तीसरा स्टेप है लेंसेट डिवाइस में लेंसेट को इंसर्ट करना और जहां से ब्लड सैंपल लेना है, जिस उंगली से ब्लड सैंपल लेना है, जिस साइट पर से ब्लड सैंपल लेना है वहां पर पिक करना, ताकि वहां से खून निकले और वह आप ब्लड सैंपल ले पाओ। देखिए, यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा स्टेप है उसे आपको कभी भी इंटरचेंज नहीं करना है। देखिए, कभी कभार लोग क्या करते हैं कि पहले पिकिंग कर देते हैं, मतलब कि पहले ही ब्लड सैंपल निकाल देते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई ग्लूकोमीटर के अंदर हमने टेस्ट स्ट्रिप को तो डाला ही नहीं है, फिर वह क्या करते हैं कि ग्लूकोमीटर के अंदर स्ट्रिप को इंसर्ट करना। ऐसे में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो खून है, जो सैंपल आपने लिया है, वह ग्लूकोमीटर में चिपक जाए या फिर
टेस्टिंग स्ट्रिप में चिपक जाए। तो ग्लूकोमीटर के अंदर टेस्टिंग स्ट्रिप आप इंसर्ट कर रहे हो और वहीं पर ही टेस्टिंग करने से पहले ही इंसर्ट करने से पहले ही अगर आपका खून टेस्टिंग स्ट्रिप पर चिपक जाएगा तो टेस्टिंग स्ट्रिप आपको डिस्कार्ड कर देनी पड़ेगी, आपके कोई काम की नहीं रहेंगी, वापस से आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और वापस से आपको ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। इसलिए पहला स्टेप है कि जो दूसरा स्टेप है उसे तीसरे स्टेप के साथ कभी भी इंटरचेंज नहीं करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको ग्लूकोमीटर में इंसर्ट करना है टेस्टिंग स्ट्रिप को, उसके बाद ही आपको ब्लड सैंपल लेना है। जब आपका सैंपल रेडी है, जब आपने पिक किया है, खून निकल गया है, तो उसकी जो बूंद है थोड़ा सा ही खून लेना है, उसे आपको टेस्टिंग स्ट्रिप पर रखना है और फिर आपको 5 से 10 सेकंड का इंतजार करना है और विद इन 5 टू 10 सेकंड्स आपको जो रिजल्ट, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वह ग्लूकोमीटर की डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा और यह जो स्टेप्स है उसे आपको फॉलो करके आप एक्यूरेटली अच्छे से आप ब्लड ग्लूकोज लेवल घर पर ही चेक कर पाओगे। जब भी आप घर पर ब्लड ग्लूकोज चेक करते हो ग्लूकोमीटर की मदद से, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि सबसे पहली बात की जो टेस्टिंग स्ट्रिप होती है वह सिंगल यूज के लिए होती है, मतलब कि एक बार आपने कोई एक टेस्टिंग स्ट्रिप की मदद से ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर दिया तो फिर उसे डिस्कार्ड कर देनी है, दूसरी बार वही सेम टेस्टिंग स्ट्रिप का आप उपयोग नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर घर में एक से ज्यादा व्यक्ति को प्री डायबिटीज या डायबिटिक है, मतलब कि एक से ज्यादा व्यक्ति अगर ग्लूकोमीटर की किट का इस्तेमाल करेंगे, तो ग्लूकोमीटर बेशक आप कॉमन यूज कर सकते हो, लेंसेट डिवाइस भी आप कॉमन यूज कर सकते हो, लेकिन टेस्टिंग स्ट्रिप भी आप कॉमन यूज कर सकते हो, मतलब कि एक ही डब्बी में से निकाल के आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो लेंसेट है, जो नीडल है, वह चेंज करनी जरूरी है। मतलब कि अगर ए व्यक्ति ने जिस नीडल से पिक किया है, बी व्यक्ति को उस नीडल से पिक नहीं करना है, उसके लिए अलग नीडल ही चाहिए। तीसरी बात, जब भी आप चेक करते हो ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो टेस्टिंग स्ट्रिप की एक्सपायरी आपको देखनी पड़ेगी। अगर एक्सपायर्ड है तो एरर आ सकते हैं, अगर एक्सपायर नहीं है तो नॉर्मल रिजल्ट, मतलब कि एरर नहीं आएगी, तो यह भी ध्यान देना है आपको। अगर टेस्टिंग स्ट्रिप एक्सपायर हो गई है तो उसे डिस्कार्ड कर देना है, उसका उपयोग नहीं करना है। अगर ग्लूकोमीटर में लो बैटरी का इंडिकेशन है, तो आपको जो बैटरी है, जो ओल्ड बैटरी है, उसे न्यू बैटरी से रिप्लेस कर देने है, क्योंकि लो बैटरी अगर इंडिकेशन है, मतलब कि बैटरी अभी कम हो रही है, तो ऐसे में अगर आप चेकिंग करते रहोगे तो एरर आने के चांसेस है। तो अगर लो बैटरी का इंडिकेशन ग्लूकोमीटर में है, तो आपको नई बैटरी से, जो पुरानी बैटरी है, उसे आपको रिप्लेस कर देना है। तो यह सब बेसिक जानकारी आपको ध्यान में होनी चाहिए अगर घर पर आप ग्लूकोमीटर की मदद से चेक करते हो। तो अब बात करते हैं एक्यूरेट टेस्टिंग की कुछ टिप्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करें अगर हम साइट की मतलब कि जहां से हमें ब्लड सैंपल लेना है, तो सबसे परफेक्ट और कन्वीनियंट अगर कोई साइट है तो वो है हमारी उंगलियां। हम हाथों पर से भी, पैर पर से भी हम खून ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, तो यह थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, इसलिए सबसे कन्वीनियंट रास्ता है हमारी उंगलियां। तो यहाँ पर हमको यह बात ध्यान में रखनी है कि हर वक्त हमें एक ही उंगली से सैंपल नहीं लेना है, मतलब कि आप जब भी टेस्ट करते हो, आप इंडेक्स फिंगर से ही आप अगर खून निकालते हो, तो ऐसा नहीं करना है, हर वक्त उंगली बदलते रहना है। तीसरी चीज कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हो, तो हर वक्त आपको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना है, और डॉक्टर आपको दिन में बहुत ज्यादा बार ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करने के लिए बोलेंगे। अगर आप इंसुलिन नहीं ले रहे हो, आपको प्री डायबिटिक हो या फिर डायबिटिक हो, लेकिन आप इंसुलिन नहीं ले रहे हो, तो वहां पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर दिन आपको बहुत सारे बार आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। तो उसमें क्या है कि डॉक्टर्स अगर आपको बोलते हैं कि भी दिन में आपको 3 बार या 4 बार करना है, तो सही है, तो इतनी बार आपको करना है। लेकिन जिस दिन भी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, तो वहां पर आपको 3 सैंपल लेने हैं। पहला फास्टिंग का, दूसरा खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बीच में, और तीसरा रात को सोने से पहले। आपको कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले तो आपको रिकॉर्ड रखना होगा। यह रिकॉर्ड आप चार्ट भी बना सकते हो, आप टेबल भी बना सकते हो, कोई भी चीज़, लेकिन आपको रिकॉर्ड रखना है, जिससे होगा ये कि किस दिन आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, किस दिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज़्यादा हुआ है। जिस दिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज़्यादा है, उस दिन आपने क्या खाया था, आपने क्या किया था, यह सब चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर आप कोई चेंज करते हो अपनी लाइफ में, अगर आप डाइट में चेंज करते हो, डॉक्टर अगर आपको डाइट में चेंज करता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है, जैसे कि आप अगर बीमार पड़ते हो, आपको बुखार आता है, तो इस दौरान भी, और कोई दवाई ले रहे हो, तो इस दौरान भी आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूसली चेक करना है कि भाई ऐसी कुछ सिचुएशन है तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो यह आप अगर
नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो यह सब चीजें आपको एक्यूरेट टेस्टिंग के लिए या फिर एक्यूरेट आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग करते हो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे चैप्टर 9 में, वैसे तो इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है चैप्टर 9 में, लेकिन यह जो भी चीज हमने बोली है किस तरह से ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है उसका मैं आपको डेमो दूंगा, और साथ ही साथ जो ब्लड ग्लूकोज मीटर के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है और हम कंपेयर करेंगे उसी दिन के, उसी वक्त के, शायद आधा घंटा या 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है, और जो रिजल्ट लैब टेस्ट में आएगा दोनों के बीच में क्या अंतर होगा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वह बात करेंगे, और क्या घर पर हम जो चेक करते हैं ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं वो कितना एक्यूरेट है वह पता चलेगा। तो आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।